वेलकम टू ड्रीमलैंड। हम अपने सभी दोस्तों को उनके सपनों की व्याख्या के फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड पर स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सपने में बिल्ली देखना। अगर किसी व्यक्ति ने सपने में बिल्ली देखी है तो इसका मतलब ये होता है कि सपना देखने वाला आने वाली लाइफ में किसी मुहाफिज, बॉडीगार्ड या मुलाजिम या जॉब करने के लिए किसी कर्मचारी को भर्ती करेगा। सपने में अगर कोई देखे कि बिल्ली आपसे कोई चीज छीन कर गई है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों में से, आपके रिश्तेदारों में से या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता है उसकी वजह से आप किसी मुसीबत या बीमारी में या परेशानी में मुबतला होंगे। सपने में बिल्ली का आपसे कुछ छीन कर ले जाना, आपने अगर किसी को कोई चीज उधार दी है, वो पैसे हैं या कोई सामान है, तो ये जब्त हो जाना यानी अगले का लेकर मुकर जाना है। सपने में अगर कोई व्यक्ति बिल्ली को पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए या लेटे हुए देखे तो इसका मतलब है कि आने वाला एक साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सपने में वहशी और झगड़ालू किस्म की बिल्ली को देखना दुख तकलीफ परेशानी उठाना होता है। सपने में बिल्ली को बेच देना, जागते हुए अपना माल और पैसा खर्च करना होता है। सपने में बिल्ली को देखना फ्रॉडी औरत होता है। सपने में बिल्ली के बच्चे का दांत से आपको काटना, झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना है। सपने में बिल्ली का काटना एक साल की बीमारी, एक साल का दुख तकलीफ परेशानी भी होता है। सपने में बिल्ली को देखना आपके ससुराली रिश्तेदारों में से किसी का आपके साथ अच्छा रवैया न रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।